जय भोलेनाथ। दोस्तों 11:35 हो गई है, 11:35 AM। और सबसे पहले डिस्क्लेमर देखते हैं, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। दूसरा, वेबिनार जो है जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जो भी सैटरडे और संडे आएगा वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। आपको 12 संडे और 12 सैटरडे, दो 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 घंटे की 24 क्लास मिलेगी टोटल, जुलाई अगस्त सितंबर। फीस सिर्फ 30,000 रुपये है। व्हाट्सअप करिए अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो 9635476788 पे। जल्दी ज्वाइन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोगों को और सीट मिलेगी, बस इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। और मैं क्या बोल रहा था, यस, तो चलिए पहले हम मार्केट देख लेते हैं। तो मार्केट आज 200 पॉइंट, जैसा मैंने कल बोला था, आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे सुबह की, भाई वीडियो कैसे नहीं बनाया आज भैया ने, है ना। कल भी नहीं बनाया मैंने आफ्टर मार्केट, क्योंकि मेरे को जो बोलना था मैंने उसी में बोल दिया था। अब यहाँ पे कब प्रॉफिट बुक करना वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन पहले मैं आपको कल वाला वीडियो एक बार रिमाइंड करता हूँ। 1 मिनट का ही वीडियो है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। उसके बाद मैंने कोई भी ना आज सुबह बनाया ना कल शाम को बनाया, कल 3:19 पे ये वीडियो बनाया। उसी में देखिए कितनी हिम्मत है, SGX कितना बार ऊपर नीचे हुआ, लेकिन मैंने कोई भी वीडियो कोई चेंज नहीं किया। आप देख लीजिए क्या बोल रहा हूँ सर। जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:20 हो गए, मेरे हिसाब से कल बहुत बड़ी तेजी होगी, कल हम 200 से 300 पॉइंट की तेजी करेंगे, ऐसा मेरा मानना है, 200 से 300 पॉइंट की तेजी करेंगे। फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि 360 का लेवल अगर टूट जाता कल स्पोर्ट में, कल के लिए बोल रहा हूँ, तो एक बार खतरा हो सकता है। आज भी देखे उसने 385 का, उस समय देखे 400 रुपया चल रहा था और आज आपको 600 मिला। 200 से 300 पॉइंट बोला तो 200 पॉइंट तो दिखा दिया, जबकि सब सेंटीमेंट्स आपके खिलाफ भी हुए, SGX माइनस भी आया था, सब कुछ हुआ, लेकिन मैंने आपको जो बोला उसको मैंने कोई चेंज नहीं किया। ना 3:30 के बाद कोई वीडियो बनाया, ताकि मैं अपना जो व्यू दे ही चुका था 3:30 के पहले ही बता चुका था, यानी कि आपको एक्स्ट्रा फायदा हुआ अगर आपने वीडियो देखा। अब हम लोग मार्केट देख लेते हैं। अरे तेरी, तो देखिए 9635476788 पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा, इफ़ यू वांट टू लर्न रियली द व्हाट इज एक्चुअली स्टॉक मार्केट क्या, ये आप इसी क्लास में सीख सकते हो, दुनिया के किसी क्लास में नहीं सीख सकते, ठीक है। अब सीधा हम पहले तो चार्ट देख लेते हैं, निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, क्या हो सकता है आज, और कब आपको एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। देखिए निफ्टी में कहीं ना कहीं 660 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, स्पॉट के फिगर बोल रहा हूँ, आप लोग इसको फ्यूचर समझ में आएगा, फ्यूचर प्रीमियम भी रहता है, कभी डिस्काउंट भी होता है। निफ्टी आज 15660 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, 15660 स्पॉट लेवल के आसपास मिले, और चाहे तो अभी भी कर लीजिए, 620 तो दिखाई चुका है, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। आज का हाई 628 मार चुका है, तो 660 से 670 के बीच में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, भले ही 700 जाए। उसके बाद हमको देखना है कि आज क्लोजिंग 670 के ऊपर आती है तो हम फर्दर सोचेंगे, वरना यहाँ से वापस नीचे जा सकता है मार्केट, ठीक है। अब बैंक निफ्टी ने तो आज 10 EMA को क्रॉस कर दिया, और 2 बजे तक ही तेजी रखिएगा, 2 बजे के बाद कोई पोजिशन हाथ में मत रखिएगा, मैं आपको एडवांस में बोल रहा हूँ, भले ही तेजी हो जाए लेकिन अपना तो प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए बस। बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग तो दिखा रहा है, 10 EMA को क्रॉस किया, लेकिन बैंक निफ्टी हो सकता है आज आपको 33800 दिखा दे, 33700 से लेकर 33800 के बीच में प्रॉफिट जरूर से बुक कर लीजिएगा। इस बीच में स्पॉट के लेवल, स्पॉट प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, और अभी चाहो तो अभी कर लीजिए, वो आपकी मर्जी। ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, 2 बजे तक तो कैसे भी कर लीजिएगा, चाहे आए चाहे नहीं आए, ठीक है। तो अभी तो बढ़ जाएगा वापस, एक बार नोटिंग की किया कोई बात नहीं है, ठीक है। आज एशियन पेंट मैंने कल मेरे खास लोगों को, कल सबको 2-2, 3-3 हज़ार क्वांटिटी दिलाया था, क्योंकि मुझे पता था क्रूड इतना गिरा तो कल एशियन पेंट भागे। अब एशियन पेंट में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, यहाँ से क्रूड ऊपर जाएगा मुझे लगता है आज। आज अगर किसको खेलना है तो 8083 का स्टॉप लॉस डालिए क्रूड में, 8083 का,
और टारगेट रहेगा आपका 8400 का कल तक का, 8083 का स्टॉप लॉस जो लो है और 8400 प्लस का कल तक का टारगेट है, हो सकता आज ही आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिलायंस में मैं थोड़ा बायस हूँ तेज़ी के लिए, हो सकता है रिलायंस यहाँ से तेज़ हो जाए, मार्केट उतना तेज़ नहीं हो लेकिन रिलायंस हो सकता है। लेकिन रिलायंस आज 200 EMA को टच नहीं किया था, बस यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न डाल दिया उसने, अगर टच हो जाता मैं कन्फर्म हो जाता कि तेज़ी होगी। देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, इसलिए मैं कन्फर्म होकर नहीं बोल रहा हूँ। देखिए 200 EMA की ये लाइन है, इसको टच नहीं किया, 2-3 पॉइंट से रह गया था। 200 EMA 2481 पे है, आज का लो बनाया 2483। अब इसको टच मान भी सकते हो नहीं, क्योंकि 81.59 है, 82 ही हो गया, 83 का लो बनाया। अगर टच हो जाता और तब ये बाउंस करता तो मैं बोलता यहाँ से तेज़ी करिए रिलायंस में, लेकिन अभी भी डाउट है। अब आज एक बार पॉजिटिव क्लोजिंग आने दीजिए आफ्टर सो मेनी निगेटिव क्लोजिंग्स। देखिए यहाँ कंटिन्यू निगेटिव हो रहा है, आज अगर पहली बार पॉजिटिव क्लोज करता तो रिलायंस ट्रेंड चेंज हो सकता है ऐसा। तो अभी भी इंतज़ार की घड़ी है इसमें भी, लेकिन थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है क्योंकि नीचे से काफ़ी ऊपर आ गया। तो आपको मैंने जो बोलना था बोल दिया, अब और वीडियो सब 3:30 के बाद आएगा। ठीक है, अरे यार, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। और कल पर्सनली मैं बियरिश हूँ, कल के डेट में, कल मैं पर्सनली, भले आज तेज़ी से भी बंद करे तो मैं कल एक थोड़ा सा बियरिश डे देख रहा हूँ, ना कि बुलिश। हो सकता है मैं रॉन्ग हो जाऊँ, लेकिन वो सब बातें मैं 3:30 बजे करूँगा। ठीक है, अभी नहीं करूँगा। जय जिनेंद्र।